इन दिनों फ्री फायर में अगर सबसे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो वो है गाइस लैग। फ्री फायर पीसी में इतना गंदा लैग हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। मेरे पास एक डेडिकेटेड 6GB ग्राफिक्स कार्ड है, फिर भी मेरा लैग हो रहा है। जो मेरे भाई लोगों के पास, जिनके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, जो 8GB रैम 4GB रैम में खेलते होंगे, उनका क्या हालात है मुझे पता है गाइस। आप लोग भी इस वीडियो को इतना देर देख लियो तो मुझे पता है आप लोगों को भी एक ढंग का वीडियो चाहिए जिसमें कि आपको लैग फिक्स का ट्यूटोरियल मिले, लैग आपका फिक्स हो जाए। लेकिन गाइस आप लोग यूट्यूब में देख देख के थक गए होंगे, लेकिन आपको कोई भी वीडियो ढंग का नहीं मिला होगा। तो गाइस मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप इतना देर इस वीडियो को देख लिए हो ना, तो गाइस और थोड़ा देर देख लो, जो जो मैं बताता हूँ वो अगर आप लोग ध्यान से अपना पीसी में अप्लाई कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका लैग 100% फिक्स हो जाएगा। ठीक है गाइस, एक मिनिमम पीसी भी चलेगा, डुअल कोर 4GB रैम 8GB रैम कोई भी पीसी हो जाए, आपका पीसी का मुताबिक आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन गाइस ऐसा नहीं कि आपका पीसी एकदम लो एंड है और आप सोच रहे हो मुझे 100-200 FPS मिल जाए, मिनिमम आप एक गेम प्लेबल FPS में खेल सकोगे, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको दूंगा पीसी का सेटिंग, फिर मैं आपको बताऊंगा इन वीएम और ब्लू स्टैक का सेटिंग, और बीच में मैं आपको दूंगा एक एडिशनल सेटिंग जिसको अप्लाई करने से आपका FPS और भी 10-15 FPS इंक्रीज़ होगा। सो गाइस वो मस्ट अप्लाई सेटिंग है, उसको ज़रूर से अप्लाई कर लेना। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल मेमोरी को ऑफ़ करना पड़ेगा। उसको कैसे ऑफ़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली विंडोज़ में जाके, रन में जाके लिखना पड़ेगा sysdm.cpl, सिंपली इसको ओपन कर लेना, और यहाँ पर एडवांस में जाके परफॉर्मेंस का सेटिंग को ओपन कर लेना, और यहाँ पर फिर से एडवांस में जाके वर्चुअल मेमोरी का चेंज को ओपन कर लेना, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैनेज इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है गाइस, इसको सिलेक्ट करके ओके कर लेना। अगर आप वर्चुअल मेमोरी को ऑफ नहीं करोगे तो आपको ब्लू स्टैक ज़्यादा रैम मांगेगा और आपका लैग होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होगा। तो सेकेंड सेटिंग को करने के लिए आपको सिंपली टास्क मैनेजर में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जाके CPU को सिलेक्ट करके वर्चुअलाइजेशन को इनेबल कर लेना पड़ेगा। सो गाइस इसको इनेबल करने के लिए आपको BIOS में जाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको देख लेना कैसे वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करते हैं। अगर इमुलेटर में गेम खेलते हो तो वर्चुअलाइजेशन मस्ट है, आप लोग को पता होगा। जिनको नहीं पता मैं आपको उन लोगों को फिर से रिमाइंड दे रहा हूँ, वर्चुअलाइजेशन जरूर से ऑन कर लेना। सो गाइस थर्ड सेटिंग को करने के लिए आपको सिंपली सर्च बार में लिखना पड़ेगा पावर एंड स्लीप, सिंपली इसको ओपन कर लेना पड़ेगा, और यहाँ पर एडिशनल पावर सेटिंग को ओपन कर लेना पड़ेगा। सो इसको ओपन करने के बाद आपको सिंपली हाई परफॉर्मेंस मोड को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, और यहाँ पर चेंज प्लान सेटिंग में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जाने के बाद फिर चेंज एडवांस पावर सेटिंग में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखना पड़ेगा प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन में क्लिक करना पड़ेगा, और मिनिमम प्रोसेसर स्टेट 100 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमम 100 में सिलेक्ट करना, और यहाँ पर जो AMD ग्राफिक्स पावर सेटिंग है इसको आपको मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस में सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन तीनों सेटिंग को करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई और ओके करना पड़ेगा, और इसको कट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेटिंग में। सो गाइस थर्ड सेटिंग को करने के लिए आपको सिंपली फिर से जाना पड़ेगा विंडोज़ में, और यहाँ पर जाके आपको राइट क्लिक करके रन को ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको अब लिखना पड़ेगा msconfig config। यहाँ पर लिखने के बाद आपको सिंपली एंटर में क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बूट वाला सेक्शन। बूट वाला सेक्शन में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पर आपका अनटिक होगा, आपको सिंपली यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, और टिक करने के बाद आपका जितना भी कोड होगा आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरा 4 कोड है, सो आपको अगर नहीं पता आपका पीसी में कितना कोड है तो आपको सिंपली फिर से टास्क मैनेजर में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर CPU में जाके यहाँ पर देख सकते हो आपका कोर कितना है। सो देख सकते हो मेरा यहाँ पर कोर है 4, अगर आपका 4 है तो 4 देना, 6 है 6 देना, जितना भी होगा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करके ओके करके आपको PC को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइस मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में कर लूँगा, आपको एक कर लेना पड़ेगा, रिस्टार्ट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइस थर्ड सेटिंग को करने के लिए आपको सिंपली सर्च बार में जाना पड़ेगा, और पर लिखना पड़ेगा डिस्क क्लीन अप। लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो आपका C ड्राइव होगा, D ड्राइव होगा, जहाँ पर आपका
ब्लूस्टैक इंस्टॉल है। सो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ब्लूस्टैक को ओपन राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हो मेरा ब्लूस्टैक सी ड्राइव में है, ठीक है। अगर आपका डी ड्राइव में है तो डी सिलेक्ट करना, मेरा सी ड्राइव में है, मैं सी सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर ओके करना। सो गाइस देख सकते हो जितना भी अनटिक है ना आपको सबको टिक करना पड़ेगा और गाइस यहाँ पर ओके करके डिलीट कर देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपको जो भी अनयूज्ड फाइल होगा, जो भी वायरस वाला फाइल होगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा और आपका गेम स्मूथ हो जाएगा, मतलब आपका गेम का फाइल स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेटिंग को। तो इस नेक्स्ट सेटिंग को करने के लिए आपको सिंपली फेस से रन को ओपन कर लेना पड़ेगा और इस बार आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम प्रॉपर्टी परफॉर्मेंस डॉट ई एक्स सी। ध्यान से स्पेलिंग को देख लो, मैं स्क्रीन में बड़ा बड़ा करके दे दूंगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। इसको ओपन करना पड़ेगा, ओपन करने के बाद एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको टिक करके अप्लाई कर देना पड़ेगा सिंपली। और फिर आपको जाना पड़ेगा टास्क मैनेजर में नेक्स्ट सेटिंग करने के लिए और यहाँ पर जाके आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल्स में जाने के बाद आपको सिंपली जो hdplayer.exe इसको ढूंढ लेना पड़ेगा और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर जो प्रायोरिटी है सेट प्रायोरिटी यहाँ पर आपको हाई में सेट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पर चेंज प्रायोरिटी कर देना, ठीक है। और फिर आपको जाना पड़ेगा स्टार्टअप में और स्टार्टअप में जाने के बाद यहाँ पर आपको जितना भी ऐप आपका अनयूज ऐप है उसको आपको सिंपली डिसेबल करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पर एक्सबॉक्स ऐप सर्विस को डिसेबल किया हूँ, एपिक लॉन्चर को डिसेबल किया हूँ, जो जो भी ऐप आपको नहीं लगता है उसको आपको डिसेबल कर देना और माइक्रोसॉफ्ट एज को भी डिसेबल कर देना। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जो आपका ये होता है क्रोम होता है उसको ज़रूर से ज़रूर अनइंस्टॉल कर दो, वो आपका सीपीयू का बहुत मतलब 80% 70% क्रोम यूज़ कर लेता है। सो आप क्रोम को ज़रूर से अनइंस्टॉल कर देना। सो गाइस यहाँ पर आपका पीसी का सेटिंग ख़त्म होता है और चलिए अब देखते हैं इन गेम और ब्लूस्टैक का सेटिंग। सो गाइस चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इन गेम सेटिंग आपको करना पड़ेगा। इन गेम सेटिंग को करने से पहले आप ज़रूर से ज़रूर एक बार पीसी को रिस्टार्ट कर लेना। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ब्लूस्टैक का कुछ सेटिंग दिखा देता हूँ और सेटिंग को दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। गाइस आप कोई भी इम्यूलेटर यूज़ करो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन गाइस जो भी इम्यूलेटर यूज़ करो उसका लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो, क्योंकि गाइस फ्री फायर में लगातार कुछ ना कुछ चेंज आता ही रहता है और उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एकदम लेटेस्ट वर्जन बहुत ही ज़रूरी है। अगर पुराना दिन होता तो मैं बताता कोई एक स्पेसिफिक वर्जन यूज़ करो जो बहुत लोग यूज़ करता है वो बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन गाइस अब दिन बदल गया है, हमेशा लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो। चेक करते रहना क्रोम में जाके ब्राउज़र में जाके कोई लेटेस्ट वर्जन आया है कि नहीं आपका इम्यूलेटर में, लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो, लेटेस्ट वर्जन बहुत ही मायने रखता है आज के दिन में, ठीक है। सो गाइस चलिए आप देख लेते हैं सेटिंग। तो सबसे पहले तो सीपीयू कोर, जितना भी आपका सीपीयू कोर है उतना ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उससे कम मत सिलेक्ट करना नहीं तो लैग होगा। और मेमोरी आपका जितना भी मेमोरी है उसका हाफ सिलेक्ट करना, अगर आपका 8 GB है 4 GB, 16 GB है तो 8 GB। और यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस फ्रेम रेट को ऑन करके यहाँ पर 200 या फिर 180 इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करो जिसमें आपका अच्छा बेस आता है, लेकिन 240 मत सिलेक्ट करो, ठीक है गाइस। डिस्प्ले में जाके मैं आपको रेकमेंड करूँगा 720p में खेलो, अगर आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है तो आप 1080p में खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। और ये सब तो आपका कोई मायने नहीं रखता FPS के बारे में, और डायरेक्ट जाते हैं हम फ़ोन में जाके यहाँ पर आपको ROG 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर ROG 2 पे भी आपका अच्छा FPS नहीं आता तो OnePlus 8T या फिर Samsung Galaxy S20 Ultra और S20 Plus, इन तीनों में से कोई भी एक ट्राई कर सकते हो, जिसमें भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस आता है वो सिलेक्ट कर लो। सो गाइस ये तो हो गया ब्लूस्टैक का सेटिंग, और एक ब्लूस्टैक का आपको सेटिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ब्लूस्टैक का सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको ऐप्स में जाना पड़ेगा और ऐप्स में जाके सिंपली क्रोम को ओपन करके इसका फोर्स को स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। क्रोम का फोर्स ज़रूर से स्टॉप कर देना। सो ये हो गया आपका ब्लूस्टैक का सेटिंग। चलिए आप देख लेते हैं इन गेम को आपको कौन कौन सा सेटिंग करना पड़ेगा। तो बस इन गेम सेटिंग को देखने से पहले मैं आपको बोनस टिप देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो शुरू से पहले ही आपको बताया था मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा। उसको करने के लिए आपको सिंपली सर्च बार में जाने के बाद डिवाइस मैनेजर में जाना पड़ेगा। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले एडाप्टर में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपका जो भी ग्राफिक्स ड्राइवर है वो आपको दिखाएगा, ग्राफिक्स कार्ड है। जब आप देख सकते हो मेरा 1060 है, 6 GB का मेरा दिखा रहा है। अब सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना और यहाँ पर ड्राइवर्स
में जाना और यहाँ पर ड्राइवर डेट देख लेना, ठीक है। सो गाइस मेरा डेट देख सकते हो 12/9/2030, मतलब मेरा अगस्त में ही मैं इसको लेटेस्ट वाला ड्राइवर को अपडेट किया हूँ, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर डेट बहुत ही पुराना दिखा रहा है, ठीक है गाइस, तो गाइस आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, कोई भी ब्राउज़र में जाना पड़ेगा, ब्राउज़र में जाके आपको आपका ग्राफिक्स कार्ड का लेटेस्ट ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लेटेस्ट ड्राइवर ग्राफिक्स कार्ड डाउनलोड नहीं करोगे तो ग्राफिक्स कार्ड आपका 100% पोटेंशियल में यूज़ ही नहीं होगा, तो ग्राफिक्स कार्ड आपका क्या हो गया, बेकार। तो गाइस हमेशा इसको देखना और डेट देखना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर से अपडेट करोगे तो अपडेट ड्राइवर नहीं होगा, क्योंकि आपका पीसी में लेटेस्ट वाला ड्राइवर ही नहीं है, जो पुराना वाला ड्राइवर है वही आपका यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। सो क्रोम में जाके हमेशा लेटेस्ट वाला ड्राइवर डाउनलोड कर लेना। सो गाइस चलिए आप इन गेम सेटिंग को देख लेते हैं, ठीक है। सो इस इन गेम सेटिंग का सबसे मेन जो सेटिंग है वो है रिसोर्स पैक गाइस। आप सभी को पता है कितना बड़ा रिसोर्स पैक हो गया है। तो रिसोर्स पैक में आपका जो भी मैप आपको नहीं लगता है, ठीक है, यूज़ नहीं आता है आपका, उसको आपको सिंपली डिलीट कर देना पड़ेगा। जो भी आपका इवेंट जो भी हो गया, जो भी आपका चीज़ नहीं लगता है, मैप स्पेशल इवेंट आया है, उसको डाउनलोड करना उसको डाउनलोड बंद कर दो, ठीक है। जो जो चीज़ आपको लगता है, कोई ड्रेस लगता है, कोई गन स्किन लगता है, उसी को डाउनलोड करो और कुछ भी डाउनलोड मत करो, ठीक है। देख सकते हो मेरा कुछ भी डाउनलोड नहीं है, जो मेरा थोड़ा बहुत कलेक्शन है गन का उस वही मैं डाउनलोड किया हूँ और कुछ भी डाउनलोड नहीं किया हूँ। अगर सेटिंग में जाकर आपको और कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो डिस्प्ले में जाके मेरे पास 6GB का ग्राफिक्स कार्ड है, मैं फिर भी स्टैंडर्ड में खेलता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्मूथ में खेलो, ग्राफिक्स बहुत ही हाई हो गया है फ्री फायर का, तो स्मूथ में खेलोगे तो कोई भी आपको एकदम लो वाला ग्राफिक्स नहीं दिखेगा, बहुत ही हाई वाला ही ग्राफिक्स दिखेगा, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड में खेलता हूँ तब भी देखो मेरा कितना अच्छा खासा ग्राफिक्स दिख रहा है, ठीक है। और गाइस डिस्प्ले में जाके सबसे पहले तो आप स्मूथ कर दो, अगर आप अल्ट्रा करते हो ना तो गाइस बता रहा हूँ गंदा वाला लैग होगा, क्योंकि ऑप्टिमाइज ही नहीं है, कोई भी इम्यूलेटर ऑप्टिमाइज ही नहीं है कि आपको अल्ट्रा में खिलाए। आपका पीसी का पोटेंशियल है, क्योंकि इसमें अगर यही सेम पीसी में GTA 5 वैलोरेंट बहुत हाई एंड पीसी का गेम खेलता हूँ ना तो भी मुझे 60-70 FPS मिल जाता है, लेकिन फ्री फायर एकदम 2-3 GB का गेम उसमें देखो। मैं FIFA 23 भी खेला हूँ इस पीसी में, मुझे बहुत ही अच्छा खासा FPS मिला, 45-46 FPS मिलता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इस FF Max में जाके आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, लॉगिन वीडियो आपको ऑफ करना पड़ेगा, लॉबी आपको क्लासिक करना पड़ेगा, ठीक है। सब मतलब सब क्लासिक कर दो और ऑफ कर दो। क्लासिक करोगे तो आपका जो ग्राफिक्स हाई इंटेंशन ग्राफिक्स वाला सीन है वो आपको ऑफ हो जाएगा, तो आपको पीसी का थोड़ा कम यूज़ होगा, ठीक है। सो HD टेक्सचर ऑफ कर देना, व्हीकल इफेक्ट ऑफ कर देना, विजुअल इफेक्ट ऑफ कर देना, एनिमेशन क्लासिक करना, न्यू बिल्कुल मत करना, ठीक है। और लॉगिन वीडियो तो ऑफ कर दिया। और लॉबी स्टाइल आप डायनामिक रख भी सकते हो, क्लासिक भी कर सकते हो, क्लासिक करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और गाइस कंट्रोल में जाकर आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। इन गेम टिप्स इसको आपको सिंपल करना पड़ेगा, डिफॉल्ट मत करो, सिंपल करना। सिंपल करने से क्या होगा, जो आपका इन गेम जो मैसेज वगैरह आता है ना तो आपको ऊपर में दिखाएगा, अगर डिफॉल्ट करोगे तो आपको मिडिल में दिखाएगा, तो मिडिल में आएगा तो आपका गेम में थोड़ा बहुत लैग आ सकता है, ठीक है। एलिमिनेशन एंड नोटिफिकेशन इसको आप कोई भी कुछ भी कर सकते हो। और गाइस ड्रैग रन मोड या आपको क्लासिक करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। सो गाइस ये तो हो गया सेटिंग। तो गाइस और कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताना, अगर आपको कुछ भी मदद मिलता है इस वीडियो को देख के तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।